subscribe to Yogacharya Kokran Baba, press the bell icon to never miss any latest update. मैं योगाचार्य खोकन बाबा, आज का टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या प्रॉब्लम होते हैं और ये प्रॉब्लम होने से क्या सिम्टम दिखाई देता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि थायराइड ग्लैंड आजकल सारा दुनिया में घर घर में दिखाई दे रहा है, ये एक घर का बीमार बन गया। इससे हमको इलाज करना है, योग द्वारा कैसे हम इलाज करें इसके बारे में हम अच्छा तरह से आपको योगा क्रिया दिखाएंगे और इलाज भी करेंगे। आप लोग सही तरीके से करने से इस बीमार से आप लोग सभी का मुक्ति मिलेगा। ये थायराइड ग्लैंड दो किस्म का होता है। एक देखिएगा, कोई एकदम दुबला हो जाते हैं, स्लिम बॉडी जो है एकदम स्लिम हो जाते हैं, और एक किस्म का देखिएगा ऐसा हैवी चेहरा हो जाते हैं, मोटापा हो जाते हैं, एकदम गर्दन उर्दन सब बहुत फैटी हो जाते हैं। और इसका कैसे हम इलाज करें योग द्वारा वो हम अच्छा तरह से बताएं। ज्यादा क्रिया नहीं है, तीन क्रिया बताएंगे। ये तीनों क्रिया करने से आपको इस बीमार से आपका मुक्ति मिलेगा। पहले जो क्रिया करेंगे, इस क्रिया का नाम है सर्वांगासन। पहले हम सर्वांगासन के बारे में वीडियो आप लोग को दिया है, उस वीडियो में जरूर आप लोग देखा है। ये सर्व अंगों का इलाज होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा क्रिया है, सबसे अच्छा क्रिया है। तो आइए ये सर्वांगासन कैसे करते हैं हम क्रिया आप लोग को बताएं, और कितना टाइम रहना है, कितना टाइम रेस्ट लेना है, वो सब आप लोग ख्याल कीजिएगा, अच्छा तरह से देखिएगा, टाइम कितना बोल रहा है वो भी ख्याल रखिएगा। इसके बारे में हम अच्छा तरह से आप लोग को बता रहा है, दिखा रहा है, आप लोग फॉलो कीजिए। तो आइए पहले मैं सर्वांगासन शुरू करें। आप लोग देखिए दोनों पैर धीरे धीरे पीछे तरफ ले, कितना ले सकते हैं इसके पर हाथ लगा और धीरे धीरे पैर को सीधा करें। स्वाभाविक नॉर्मल ब्रीदिंग और कितना टाइम रहना है, आधा मिनट मान लीजिए हो गया। आधा मिनट करने के बाद में फिर धीरे धीरे पैर भास करके सो जाइए, इसको कहते हैं शवासन। आप आधा मिनट क्रिया किया है तो आधा मिनट शवासन कीजिए, करने के बाद में फिर दोबारा हम नहीं देखा है, लेकिन आप लोग दो टाइम दो बार कीजिएगा। एक बार करने के बाद में फिर आधा मिनट रेस्ट लीजिएगा, फिर दोबारा आधा मिनट करके फिर आधा मिनट रेस्ट लीजिएगा। आप दो नंबर क्रिया हम करेंगे, इस क्रिया का नाम है पूर्ण बद्ध सर्वांगासन। ये थोड़ा देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन किस दिन अभ्यास करने से आपका सही सलामत हो जाएगा, इसलिए करने का कुछ नहीं है। पहले मैं सो गया और उसके बाद सर्वांगासन का जैसे हम करेंगे, सर्वांगासन करने के बाद में अभी पद्मासन करेंगे, इसको कहते हैं पद्मासन। आप दोनों पैर को धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए, स्वाभाविक आप धीरे 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 आप चलाइए। ये साइड से थोड़ा दिखा रहा है आपको, आपको देखने में सुविधा रहेगा, लेकिन शवासन जब करेगा तो आराम से देखिए। ये क्रिया भी दो बार करना है, एक बार करने के बाद में थोड़ा रेस्ट लीजिएगा, फिर और एक बार कीजिएगा, अर्थात
ये जो पहला जो क्रिया हम किया है उसको बोलता है सर्वांगासन, वो क्रिया हम दो बार किया है। करने के बाद में ये पूर्ण बद्ध सर्वांगासन, ये भी दो बार, एक बार इस पैर में कीजिएगा और एक बार पैर बदल के कीजिएगा, पद्मासन बदल करके कीजिएगा, वो भी आधा मिनट रेस्ट, आधा मिनट करना है, आधा मिनट रेस्ट। अभी तेसरा आइटम उसको कहते हैं होलासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। आप सबका मन में ये जरूर क्वेश्चन होगा, ये इतना क्रिया करने के बाद में थायराइड ग्लैंड का खाली इलाज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम होलासन आप लोग को दिखा रहा है, उसके बाद में इसके बेनिफिट के बारे में पूरा बताएंगे। तो आइए अब हम होलासन करें, अब हम होलासन शुरू करें। देखिए पहले दोनों पैर आप पीछे तरफ ले जाए और ये पीठ जमीन पे लगा दीजिए, दोनों हाथ जमीन पे, पैर सीधा स्वाभाविक। कितना मिनट रहना है? आधा मिनट। रिलैक्स, धीरे धीरे तीन आधा मिनट रेस्ट लीजिए। इस क्रिया भी दो बार करना है, टाइम कितना? आधा मिनट करके एक बार किया है आप लोग, और एक बार कीजिएगा। अर्थात तीनों क्रिया किया है, तीनों क्रिया दो दो टाइम करके, दो बार करके करना है, एक एक बार करने के बाद में ऐसा समासन करके रेस्ट लीजिएगा। ये तीनों क्रिया जो बताया आपको सभी को, और हम दिखाए भी, प्रैक्टिकली दिखाए आपको, ये क्रिया करने से आपका क्या बेनिफिट होगा? आपका मन में तो जरूर आता है जी, ये तीनों क्रिया करेंगे खाली थायराइड बीमार का इलाज होगा, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी एक बीमार के लिए पर्टिकुलर कुछ आसन होते हैं और शायद कुछ बीमार इलाज होते हैं। जैसे हमारा ये जो क्रिया, तीनों क्रिया है, ये तीनों क्रिया आपका थायराइड ग्लैंड का जो जिसका प्रॉब्लम है उसका तो पूरा इलाज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह है ही नहीं इसमें, एकदम थायराइड ग्लैंड आपका नॉर्मल हो जाएगा। और साथ में आपका टॉन्सिल, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, सेलिबरी, जो हमारा गर्दन का से लेकर सिर में जितना ग्लैंड है, ऑर्गन है, सबका ही फायदा ही फायदा मिलेगा। लेकिन मेनली आपका थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम आपका पूरा इलाज हो जाएगा, इसमें कोई एकदम संदेह नहीं है। आप शांति से कीजिए, आप धैर्य रख के कीजिए, इस बीमार से आपका मुक्ति मिल जाएगी, 100% मुक्ति मिल जाएगा। तो क्या किया मैंने? पहले मैं तो दो बार सर्वांगासन किया, एक बार किया आधा मिनट रेस्ट लिया, और एक बार किया आधा मिनट रेस्ट लिया, दो बार सर्वांगासन। उसके बाद में पूर्ण बद्ध सर्वांगासन, एक बार इस पैर में पद्मासन करके किया और थोड़ा रेस्ट लेके फिर आधा मिनट इस पैर में किया, तो ये आधा मिनट आधा मिनट आधा मिनट आधा मिनट, और आखिर में क्या है? होलासन, ये भी आधा मिनट कीजिएगा, करने के बाद में आधा मिनट शवासन कीजिएगा। लेकिन हर एक आसन करने के बाद में शवासन करना बहुत जरूरी है, ये करना ही चाहिए। और जिस टाइम हम क्रिया करेंगे उस टाइम आप श्वास को रुकिए मत, नॉर्मल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास लेते जाइए। तो आज के लिए यही समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो मेरा दो चार दिन में और आने वाला है, वो भी आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग का अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी जो है उसको मार दीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक हम वीडियो एक एक बीमार के बारे में देते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग का नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप लोग को मिलते जाएगा, जिसका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम के बारे में इलाज हो जाएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आज के लिए यही समाप्त करता है, और आप सब सुखी रहे, शांति से रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करके आज के लिए यही समाप्त करता हूँ।